हेलो दोस्तों, आज हम जिन सिंगर के बारे में बात करने वाले, उनका नाम है आरती अंकलीकर टिकेकर। उनका जन्म 27 जनवरी 1963 को विजयपुर कर्नाटक में हुआ। वह 2 बार भारतीय शास्त्रीय गायन में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। वह अधिकतर मराठी, कोंकणी और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करती है। 4444 उन्हें उनके हाई पिच गायन और शैली के लिए जाना जाता है, जो कि उन्होंने आगरा गरना के साथ ग्वालियर गरना और जयपुर गरना से भी अर्जित किया गया है। इनकी बहुत सारी ऑडियो कैसेट और सीडी प्रकाशित हुई है। वह श्याम बेनेगल की फिल्म सरदारी बेगम के लिए मुख्य पार्श्व गायिका थी। वह अपने इन एल्बमों के लिए जानी जाती है। लिख प्लेबैक, अतनंद, दे धक्का, सावली, सरदारी बेगम, एक हजाराची, नोट राजा रानी को चाहिए के लिए जानी जाती है। उन्होंने भारतीय फिल्म अभिनेता उदय टिकेकर से शादी की। उनकी बेटी सवनांदी टिकेकर जो अभिनय भी करती है। वह कई मराठी, कोंकणिया और हिंदी फिल्मों के लिए मुख्य पार्श्व गायिका के रूप में रही है। सरदारी बेगम 1996 के कुछ मुख्य गीत हजूर हम पर, इतना करम, धीर धीर आई बदरिया, चली पी के नगर हराह में बिछी है, पल के सहिता, 2013 क्या यही था जुर्म, पल के ना बूंद तेजोमय, नंद बहला तुला, पहले मिमी राधिका तुझा तुझे दुलया था। वर्ष 2006 के लिए एक शास्त्रीय गायक के जीवन पर आधारित कोकन या सिनेमा अंतनंद के लिए सुने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मराठी फिल्म दे धक्का के लिए उन्हें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। बाद में 2013 में उन्हें मराठी फिल्म सहित में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कोंकणी सिनेमा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2006 में एक शास्त्रीय गायक के जीवन पर आधारित फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए मिला। आरती अंकलीकर टिकेकर 27 जनवरी 1963 को विजयपुर कर्नाटक में 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारतीय शास्त्रीय गायिका है, जो ज़्यादातर मराठी, कोंकणिया और हिंदी फिल्म उद्योग में सक्रिय है। हाई पिच गायन और शैली के लिए जाने जाते हैं। आगरा के साथ साथ ग्वालियर और जयपुर में भी कमाई की।